ग्वालियर रेलवे स्टेशन पर गोवा एक्सप्रेस में चढ़ने के दौरान सेना के नायब सूबेदार कृष्णकांत शर्मा की मौत को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने स्टेशन मैनेजर से मानवीय जांच की मांग की है। वहीं पीड़ित परिवार के लिए रेलवे की ओर से मुआवजा राशि देने की मांग भी की गई है। उन्होंने इस बात पर दुख जताया कि रेलवे सुरक्षा बल जीआरपीएफ प्रबंधन कोई भी सदस्य पीड़ित परिवार को सांत्वना देने उनके घर नहीं पहुंचा है। दरअसल सोमवार रात को कोयले के दीनदयाल नगर में रहने वाले सेना के नायब सूबेदार कृष्णकांत शर्मा छुट्टियां खत्म होने पर वापस अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, लेकिन ट्रेन में चढ़ने के दौरान वह ट्रैक पर चले गए और उनका शरीर दो टुकड़ों में बट गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना को लेकर पूर्व सैनिक संगठन ने गहरा क्षोभ जताया है और रेलवे प्रशासन पर यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया है। उनका कहना है कि ट्रेन में चढ़ने और उतरने के दौरान भीड़ पर काबू करने के लिए जीआरपी और रेलवे सुरक्षा बल तैनात रहता है, लेकिन वह यात्री सुरक्षा को लेकर बेपरवाह रहते हैं, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं होती हैं। एक होनहार देश के जवान की इस दुर्घटना में मौत हो गई, इसलिए रेलवे को इस मामले में सेना के जवान के एक सदस्य को नौकरी और उचित मुआवजा देना चाहिए। साथ ही रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी को अनदेखी पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। सर, किन मांगों को लेकर आप प्रदर्शन कर रहे हैं? मैं अरविंद सिंह तोमर, पूर्व सैनिक अध्यक्ष ग्वालियर चंबल संभाग से। कल हमारे जो सेना में पदस्थ अपनी छुट्टी व्यतीत करके और यूनिट के लिए जा रहे थे गोवा ट्रेन से, सूबेदार रमाकांत शर्मा जी, जो कि ग्वालियर में शताब्दीपुरम के रहने वाले थे और वैसे उनका परमानेंट निवास है पत्तापुरा भिंड के पास है सुरपुरा, तो कल उनकी यहाँ पर ट्रेन में फिसलने से ट्रेन के ट्रैक पे वो चले गए, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। उस विषय को लेके आज हम यहाँ रेलवे स्टेशन ग्वालियर पर समस्त पूर्व सैनिक आए हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जो घटना हुई है उसकी जांच प्रॉपर, और जो उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, क्योंकि देश की सेवा में एक सैनिक पदस्थ है और आज वो ड्यूटी के दौरान जाता है और इस प्रकार की घटना हो जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन है। हालांकि जितनी भी जनता, आम जनता की इस प्रकार की कई घटनाएं होती हैं और देश के सैनिक की जो घटना हुई है इसमें कहीं ना कहीं रेलवे पुलिस और रेलवे प्रबंधक का ही लूज पाया जाता है, लूजनेस, जिसकी वजह से ऐसी, यदि रेलवे पुलिस प्रॉपर तरीके से प्लेटफॉर्म पे अपनी ड्यूटी करे तो इस प्रकार की घटना ना हो ना पाए। इसी वजह से आज हम ये मांग करते हैं कि उनके बच्चों के लिए जो भी रेलवे डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, घटना कैसे हुई, उसी, क्योंकि एक देश में जो सेवा दे रहे हैं और एक सैनिक है जो सूबेदार, जो कि बहुत तजुर्बे वाला और जो 28-30 साल नौकरी कर लेते हैं तब उतनी बड़ी उनको जो सीख मिलती है, आज उस व्यक्ति को अपन खो देते हैं तो इसका बहुत बड़ा दुख है। इसी बात को लेकर आज हमने इनको ज्ञापन देने के लिए आए हैं और जो भी है जहाँ जो निष्पक्ष उसमें कैसे घटना हुई हो, उनके बच्चों को जो भी रेलवे डिपार्टमेंट या मान लीजिए रेलवे पुलिस उनके लिए क्या व्यवस्था कर रही है, इस विषय को लेकर आज हम ज्ञापन देने आए हैं।